बॉलीवुड के दबंग सलमान खान एक बार फिर ईद पर अपने प्रशंसकों को खास तोहफा देने जा रहे हैं। भारत चीन युद्ध पर आधारित उनकी बहुप्रशिक्षित फिल्म ट्यूबलाइट 23 जून को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, लेकिन इस बार ईद पर उनका मुकाबला भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार से होने जा रहा है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान एक बार फिर ईद पर अपने प्रशंसकों को खास तोहफा देने जा रहे हैं। भारत चीन युद्ध पर आधारित उनकी बहुप्रशिक्षित फिल्म ट्यूबलाइट 23 जून को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, लेकिन इस बार ईद पर उनका मुकाबला भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार से होने जा रहा है। निरहुआ की फिल्म जिगर ईद के दिन यानी 23 जून को रिलीज होगी, इसकी जानकारी खुद निरहुआ ने दी। जिगर के पोस्ट प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है। फिल्म जिगर में निरहुआ के साथ अंजना सिंह की सुपरहिट जोड़ी। फिल्म के निर्देशन प्रिमांशु सिंह है। जिगर भोजपुरी की मसाला इंटरटेनिंग फिल्म होगी, जिसमें गौरव झा, रितु सिंह, मनोज टाइगर, रीना रानी, देव सिंह, गौरी शंकर, वैभव राय, संतोष पहलवान और सुशील सिंह काम कर रहे हैं। फिल्म में अविनाश जा घुंगरू ने संगीत दिया है। निरहुआ के मुताबिक जिगर आम भोजपुरी फिल्मों से काफ़ी अलग एक्शन पैक फिल्म होगी। इसके हर दृश्य पर काफ़ी मेहनत की गई है। अच्छी कहानी के साथ फिल्म को अलग तरह से शूट किया गया है। फिल्म के पोस्टर भी इस ओर इशारा करते रहे हैं। मैक्स 9 न्यूज के लिए अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।